रुचीज वर्चुअल कुकबुक में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ एक ऐसा केक जो टेस्टी है, हेल्दी है और साथ में आज का ये केक उन लोगों को भी भाने वाला है जो वीगन है। जी हाँ, आज मैं बना रही हूँ वीगन चॉकलेट आलमंड केक। तो आइए बनाना शुरू करते हैं ये टेम्प्टिंग केक। रेसिपी के साथ साथ ये भी बताऊंगी कि केक को इजी और अट्रैक्टिव तरीके से किस तरह से डेकोरेट करते हैं। रोस्टेड बादाम और चॉकलेट का ये डेडली कॉम्बिनेशन आपको जरूर पसंद आएगा। तो देने करते हैं, पहले बादाम को रोस्ट कर लेते हैं। बादाम को रोस्ट करके हम कुछ बादाम का पाउडर बना लेंगे, कुछ को चॉप कर लेंगे। रोस्ट करके जो हमने पाउडर बनाया है उसे हम केक को बेक करने में यूज करेंगे और चॉप किए हुए बादाम का हम इस्तेमाल करेंगे केक को डेकोरेट करने में। बादाम को बिल्कुल धीमी आंच में रोस्ट करेंगे जिससे उनका टेस्ट एनहांस हो जाए। करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगी आलमंड मिल्क का। बैटर को पहले अच्छे से शेक कर लेंगे ताकि लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स अच्छे से मिक्स हो जाए और हमें स्मूथ टेक्सचर का मिल्क मिल जाए। रोस्टेड आलमंड पाउडर बेकिंग टिन को हमने ग्रीस करके अच्छे से डस्ट कर लिया है। अब इसमें केक का बैटर पोर कर देते हैं। 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए हमने ओवन को प्रीहीट कर लिया है। अब 180 डिग्री सेल्सियस पर 20 से 25 मिनट के लिए बेक करने रखेंगे। केक हमारा बनकर तैयार हो गया है। करके दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और वीगन चॉकलेट गनाश से इसकी फिलिंग करेंगे। वीगन चॉकलेट गनाश की रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप उस रेसिपी को देखकर घर में वीगन चॉकलेट गनाश बना सकते हैं। बादाम इसमें डालेंगे।
ऊपर की लेयर को सोक करके हमने गनाश से कवर कर दिया है। एक बार फिर से इसको थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं। चारों तरफ हमने रोस्टेड बादाम लगा दिए हैं। एक्स्ट्रा बादाम हम हटा देते हैं। डोनट कटर मैंने लिया है, इससे एक निशान यहाँ पर बना लेंगे। साइड में पहले हम ये चॉकलेट के स्टोन्स लगा देते हैं। रेड कलर के स्प्रिंकल्स इसके ऊपर डाल दें। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीगन चॉकलेट आलमंड केक की रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। आपका दिन खुशियों से भरा रहे, यही मेरी शुभकामना है। इसी तरह की डिफरेंट चॉकलेटी रेसिपीज के लिए रुचिज वर्चुअल कुकबुक को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।